नमस्कार, सीमा इंडियन रसोई एंड ब्लॉग्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और टाइम के 12:30 हो गया, यानी 1:45 हो गया है। और नहा धो लिए हैं और नाश्ता भी कर लिए हैं, पूजा पाठ सब कुछ हो गया है, क्योंकि आज हम लोगों का नहाए खाए है। और कल हम लोग का नहीं, मतलब जो भी लोग तीज का व्रत रखते हैं सभी का आज नहाए खाए है। और कल तीज है निर्जला व्रत, तो कल तो तीज का व्रत रहेंगे। और कौन कौन तीज करता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप सभी लेडीज के लिए हैप्पी तीज, तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। और नाश्ता बना नहीं है, सबसे पहले लंच नहीं बनाया है, लंच बनाना है, क्योंकि हस्बैंड का 2 बजे ड्यूटी है। तो सबसे पहले तो लंच बनाएंगे और इसके बाद हाथ में मेहंदी लगेगा। और यहाँ पे आया हुआ है पार्सल। मीशो से पहली बार हम साड़ी मंगाए हैं। वैसे एक बार सिर्फ ऑनलाइन मैं साड़ी मंगाई थी फ्लिपकार्ट से, तो ठीक ठाक निकला, कोई दिक्कत नहीं है। और इस बार मीशो से हम साड़ी मंगाए हैं, देखते हैं कैसा है। और पहले लंच बना ले, इसके बाद देखेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे कि कैसा मंगाया है और कैसा निकला है। तो बस, और किसका किसका फास्टिंग है जरूर बताइएगा। और इसके बाद आज बहुत ज़्यादा बिजी भरा दिन रहेगा, क्योंकि हाथ में मेहंदी लगेगी। और आज कल हमारे वीडियो पे व्यूज़ बहुत कम आते हैं, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, व्यूज़ कम क्यों कर दिए हैं। और यदि मेरी वीडियो में कोई दिक्कत आ रही है या मतलब पसंद नहीं आ रहा है, क्या फॉल्ट ये हो रहा है, तो आप लोग ज़रूर बताइए, कोशिश करेंगे उसको ठीक करने के लिए। और लाइक कर दिया कीजिए, लाइक के कोई पैसे नहीं लगते हैं। हाँ, वीडियो देखने के लिए थोड़ा सा डाटा खर्च होता है, टाइम भी वेस्ट होता है, पर कोई बात नहीं, कर दिया कीजिए। और सब्सक्राइब करने के भी कोई पैसे नहीं लगते हैं, जो पहली बार वीडियो पे आते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। तो बस वीडियो की शुरुआत तो कर दिए हैं, क्योंकि सारा काम हो गया है पर खाना नहीं बना है, तो सोचे चलो अभी से ही वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। और हमारी मतलब ब्लॉगिंग की है, वैसे तो मेरी रेसिपी मैं 16 जुलाई 2020 से ही डाल रही थी, पर मेरा ब्लॉगिंग का वीडियो तीज का ही है, शायद कंफर्म नहीं है, लेकिन 99% मेरा ब्लॉग तीज का ही है। जबकि उस समय हम ऑन कैमरा बात भी नहीं कर पाते थे, और आजकल तो थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं। और कैसे करते हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चलिए फिर किचन में मिलते हैं, आज तो बहुत बिजी भरा दिन रहने वाला है, क्योंकि एक के बाद काम कुछ ना कुछ होने ही वाला है। और चलिए फटाफट से काम कर लेते हैं, नहीं तो हस्बैंड पता है खाना नहीं बना रहता है ना, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, पर फटाक से चले जाते हैं, वेट नहीं करते हैं, बोलते नहीं 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 ड्यूटी कलेक्ट हो रहा है, चले जाते हैं। और जब बना रहता है तो 10-15 मिनट बैठ भी जाते हैं, तो ऐसा है। तो चलिए सबसे पहले हम लंच ही बना लेते हैं, उसमें देरी नहीं करेंगे, क्योंकि कल मेरा फास्ट है, तो आज दम भर हमको खाना भी है। वैसे मजाक कर रहे हैं, दम भर कितना खाएंगे, कल फास्ट है तो। और फास्ट के दिन ज़्यादातर मेरा थोड़ा तबीयत भी खराब हो जाता है, सिर में दर्द हो जाता है गैस की वजह से, तो आज दवा वगैरह भी ले लेंगे, क्योंकि कल ना हो। और ऐसा हम हमेशा ही करते हैं, एक दिन पहले दवा ले लेते हैं। तो बस देखते हैं कैसे क्या निकलता है, और जो भी हो जैसा भी होगा मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। तो चलिए, और कौन सी मेहंदी लगाएंगे आप लोगों को बता देते हैं। हस्बैंड से मेहंदी कल मंगवा लिए थे, और यही मेहंदी लगेगा। मेहंदी राजम लागे मारो हाथी। तो मैं आप लोगों से बहुत देर के बाद मिल रही हूँ, और मेरा खाना लगभग बन चुका है, और हस्बैंड खा करके ड्यूटी चले गए हैं। वैसे वो चावल नहीं खाए, क्योंकि चावल मैं बनाई भी नहीं थी, और रोटी बनाए थे, तो रोटी खा लिए हैं, और चावल अभी चढ़ा हुआ है, और सब्जी बनाए हैं आलू पटल की, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। कुकर में बनाए थे सब्जी, और ये देखिए आलू पटल की सब्जी, बहुत लोग इसे परवर भी बोलते हैं, पर हम लोग आलू पटल बोलते हैं। और ये सब्जी बिना लहसुन प्याज का बना हुआ है आलू पटल का, और यहाँ पे सब कुछ छोड़ गया है।
पता नहीं कुछ हो गया था तो उसको हम नाखून लगा दिए थे, इसलिए ऐसा ब्लैक हो गया है। और यहाँ पे चावल भिगा करके रखे हैं। और ये चावल भिगा देने से ना चावल बहुत खिला खिला बनता है और बहुत अच्छा बनता है, और 6 से 7 मिनट में ये चावल हो जाता है। तो इसलिए चावल लेट से चढ़ा है, और हस्बैंड ज़्यादातर रोटी खाते हैं, वैसे चावल भी खा लेते हैं पर ज़्यादातर रोटी खाते हैं, तो वो रोटी खा करके चले गए हैं और किचन साफ कर दिए हैं। और रात के लिए भी मैं रोटी बना दी हूँ। ये देखिए रात के लिए भी रोटी बना दिए हैं, क्योंकि हाथ में मेहंदी लगा लेंगे तो फिर बना नहीं पाएंगे। और सारा काम हो गया है, बर्तन वगैरह धो लिए हैं, और बस चावल बन जाएगा तो मैं खाऊंगी और बच्चे खा लेंगे, और इसके बाद मेहंदी लगा लेंगे हाथ में, और देखेंगे शाम को यदि सब्जी बनाना हुआ तो बना लेंगे, यदि ये बच जाएगा तो नहीं भी बना सकते हैं। सिर्फ भिंडी रखा हुआ है तो भिंडी का भुजिया बना देंगे, और मौसम बहुत साफ है, ये देखिए पूरा हवा चल रहा है। आपको अपने बगान में लेके चलते हैं। और ये देखिए मौसम बहुत अच्छा हो गया है, और यहाँ पे ये वाला रोज खिल गया है, ये वाला रोज खिल गया है। और ये देखिए क्या हो गया, बहुत तेज हवा है, बहुत तेज हवा है, इसके कारण ये गिर गया, तो इससे उठाते, और ये भी गिर गया है। हे भगवान, पहले इसको उठा देते हैं। और इससे उठा दिए, बहुत तेज हवा है, अभी बारिश नहीं है पर मौसम बहुत खराब है। और मौसम बहुत अच्छा है, और ऐसा मौसम रहेगा यदि तो कल 30 जो हम लोग का निर्जला व्रत है वो पता नहीं चलेगा। और ये देखिए फ्लावर ये छोटे छोटे हैं, ये रोज है, और बहुत छोटा छोटा में ही ये खिलता है, और बहुत छोटा छोटा खिलता है। और ये सारे प्लांट को आज हम रख दिए हैं बारिश में स्नान करने के लिए। कोई कोई जो प्लांट है ये सब बारिश में भीगता नहीं है, तो आज ये सारे प्लांट को रख दिए हैं बारिश में भीगने के लिए। और ये प्लांट को देखिए, ये कैसे कैसे पत्ता से निकल गया है, ये देखिए पत्ता से निकला हुआ है, बहुत सारा निकला हुआ है, देखिए। और यहाँ देखिए तो फाइनली मौसम अच्छा हो गया है, और बहुत ही अच्छा हो गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। और आज मेरा फेस भी थोड़ा ग्लो ग्लो कर रहा है, क्योंकि कल फेस मसाज किए थे खुद से, थ्रेडिंग तो बनवाए थे जाकर के दी से, पर फेस मसाज मैं खुद से की थी, तो थोड़ा सा ग्लो ग्लो दिख रहा है। वैसे कौआ जो है कितना भी कुछ कर ले वो कौआ ही दिखेगा, उसी तरह से मेरा फेस है। देखिए और ये देखिए पान का पत्ता, और इसमें केला का छिलका डाला हुआ है खाद के लिए, और बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। और एक यहाँ पे है पान का पत्ता, इस बार पूजा में यानी दुर्गा पूजा में दिक्कत नहीं होगा पान पत्ता का। और ये देखिए मिर्चा,
दुर्गा पूजा में पान पत्ता का बहुत दिक्कत होता था, वैसे मिल जाता था, बहुत महंगे पत्ते आते थे। और हस्बैंड मेरे एक बार ला देते थे एक दो दिन का, और फ्रीज में रखो या फिर बाहर रखो तो ख़राब भी हो जाता था। तो इस बार पान पत्ता घर में है तो दिक्कत नहीं होगा, और पान का पत्ता रोज चढ़ाना होता है दुर्गा माँ को, तो बस। और चलिए अंदर चलते हैं, कुछ कुछ सामान आया हुआ है उसको भी देखना है क्या क्या आया है, देखते हैं। यहाँ पे कल के लिए प्रसाद आया हुआ है, केला, और इसमें है अनानास, एक गोल वाला है इसमें, और इसमें चपटाल है, और नीचे चीनी है। और मेरे घर में पहले चीनी आता था 15 केजी, और चीनी इतना महंगा हो गया है कि चीनी आया है शायद 5 केजी या 7 केजी, देखते हैं कितना दिन चला सकते हैं। और तेल का भी दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, दाल भी महंगा हो गया है, क्या क्या खाएंगे हम लोग नॉर्मल घर चलाने वाले, जिसकी सर्विस होती है उसका तो सैलरी ही बढ़ जाता है, पर नॉर्मल लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो पानी खोल गया था तो उसमें चावल डाल दिए हैं, और ये जो आया हुआ है साड़ी इसको देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको हम ट्राइपॉड पे लगा देते हैं, क्योंकि हाथ से तो नहीं कर पाएंगे, हाथ भी दुखने लगेगा, तो इसे ट्राइपॉड पे लगा देते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से कैंची से काट करके और पैकिंग को खोल लेंगे और देख लेते हैं साड़ी को। तो ये साड़ी अच्छा नहीं लगा हमें, तो पसंद नहीं आया, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, पर हमें पसंद नहीं आया, इसका कपड़ा भी पसंद नहीं आया, इसका एम्ब्रॉयडरी भी पसंद नहीं आया, जैसे फ़ोटो में दिख रहा था वैसा ये साड़ी नहीं निकला। और ये वीडियो आप लोगों को एक दिन लेट से मिल रही है, क्योंकि फास्टिंग में इसकी एडिटिंग और वॉइस ओवर तो हो नहीं पाती, तो इसलिए आप लोगों को ये वीडियो लेट से मिल रही है, और ये साड़ी पसंद नहीं आई। तो बस इसी तरह से हम पैकिंग करके और फिर से इसे हम भेज देंगे। और यदि आप लोगों में से किसी ने मिसी वेब से साड़ी या सूट कुर्ती जो भी मंगाया हो और कैसा निकला है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमें तो ये साड़ी पसंद नहीं आई, और मैं फ़र्स्ट टाइम कपड़ा मिसी वेब से मंगाई हूँ, वैसे फ्लिपकार्ट से मंगाई हूँ तो ठीक था, पर ये हमें पसंद नहीं आया, तो फिर से कभी ट्राई करेंगे। तो बस हम सभी ने खाना वाना खा लिया है, और हस्बैंड तो ड्यूटी चले ही गए हैं, और ये भी आ गई थी रुचि, तो इनसे अब हम मेहंदी लगवा लेंगे। और इनका भी यूट्यूब चैनल है मल्टी क्रिएशन विथ एसआर, और ये मेरी फ्रेंड की बेटी हैं, बगल में ही रहती हैं, और ये देखिए दोनों हाथों में मेहंदी लगा भी दी, और लगभग टाइम के 6:30 तो यहाँ पे मेहंदी लग गई है, और मैं वीडियो को भी एंड यहीं पे करूँगी। और ये देखिए मेरी मेहंदी, तो फाइनली हमारी मेहंदी लग गई है, और कैसी लगी है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और पूरी हाथ की मेहंदी हमें पसंद नहीं है, वैसे भी मोटा मोटा हाथ है, तो बस। और इस वीडियो की एंड भी मैं यहीं पे करूंगी, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।